दर्शकों, मैं अनिमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज। जबलपुर से एक मामला सामने आ रहा है। जबलपुर आरटीओ से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष पाल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें आरटीओ अधिकारी संतोष पाल एक ऑटो चालक को दबंगई दिखाते हुए जाली आरोपों में फंसाने की बातें कर रहे हैं। रिक्शा चालक ने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया है। रिक्शा चालक का आरोप है कि आरटीओ अधिकारी संतोष पाल जबरन चालानी कार्यवाही करते हैं और डरा धमकाकर पैसे ऐंठने की भी कोशिश करते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरटीओ अधिकारी संतोष पाल कुछ साल पहले ही आरटीओ ऑफिस में बाबू की नौकरी पर भर्ती हुए थे और आज आरटीओ में परिवहन अधिकारी के पद पर पैर जमाए बैठे हैं। जानकार बताते हैं कि यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी संतोष पाल अपने पद की हिटलर शाही दिखाते हुए वाहन चालकों को परेशान करते हैं। ऑटो चालक से बदसलूकी करने का पूरा वाक्या कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर से सुना जा सकता है और देखा जा सकता है कि संतोष पाल ऑटो चालक को 100 ग्राम गांजा ऑटो में रखवा कर उसे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। आगे की घटना आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नहीं, हम लोग देखे और हमने कहा सीधी बात हम बता दे रहे हैं। अब तुम्हारा एक बार बता दिए, बार बार नहीं, नहीं, नहीं रोड पे देखे तो क्या होता है कि पुलिस को किसी को मंजूर बनाना होता है ना, तो चक्कू खरीद एक दुकान से उठाता है, तुम्हारी जेल में रख देगा और 34 हेलमेट लगा देगी। तो हम भी 100 ग्राम गांजे रखेंगे और तुम्हारी गाड़ी में रख के तुम्हें जेल भेजवा देंगे, समझ गए? जाओ। मामला वायरल होने पर आरटीओ परिवहन विभाग के उपायुक्त अरविंद सक्सेना ने कहा मामले की जांच की जाएगी। साथ ही जबलपुर से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश के साथ प्रतिनिधि मंडल, जबलपुर लोकसभा अध्यक्ष मनीष शर्मा, जिला अध्यक्ष मनोहर लाल जाटव, सुरेश कोष्टा, हरीश श्रीवास्तव ने जबलपुर SP से भेंट कर आरटीओ अधिकारी संतोष पाल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। आरटीओ के संतोष पाल जैसे बड़ा अधिकारी इस तरह से स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि प्रदेश की पुलिस किसी भी व्यक्ति के जेल में चाकू रखती है और 25 आम के तहत उसको जेल भेज देती है। इसके बाद उन्होंने गांजे की बात कही कि 100 ग्राम गांजा रख के मैं तुमको जेल भेज दूंगा। मतलब इस साफ जाहिर है कि गांजे की तस्करी कर रहे हैं आरटीओ साहब। गांजा कहां से आ रहा है उनके पास? क्या गांजे के धंधे में लिप्त है या जो गाड़ियां पकड़ी जाती है तस्करों की, क्या वो गांजा बेच रहे हैं? किसी भी निर्दोष व्यक्ति को, किसी भी आम आदमी को के ऊपर ये धमकी देना कि मैं 100 ग्राम गांजा रख के आपको जेल भिजवा दूंगा, ये मध्यप्रदेश की पुलिस का अपमान हुआ है। अपराधी पैदा कर रही है, निर्दोषों को जेल भेज रही है मध्यप्रदेश की पुलिस। और दूसरी तरफ आप गांजे की बात करते हैं, 100 ग्राम गांजा रख के हम जेल भेज देंगे। गांजा कहां से आ रहा है उनके पास? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को निलंबित करते हुए मैंने सरकार से, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से, राज्य परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी से और चीफ सेक्रेटरी से ट्विटर के माध्यम से मांग करी है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। और पुलिस अधीक्षक जी, ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दैनिक द लुक न्यूज चैनल को।